पाकिस्तान से। मैं तो जी बिजली का काम गरीब आदमी मालिक साहब लेके जाएगा भी नहीं अब। ये तरीका देख ले इसके सिर का। इस वक्त हम जामा मस्जिद के सामने हाजी होटल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये रमज़ान का दूसरा जुमा है जो मस्जिद पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है और आज 14 रोज़ा भी है, यानी उसको मंजिला रोज़ा भी कहते हैं। और मंजिले रोज़े पर यहाँ पर इतनी गहमा गहमी रहती है कि पांव रखने की जगह नहीं होती। अभी यहाँ पर अजान हुई, खुतबा हुआ और उसके बाद जमात भी हुई। जो दो चार लोग होते हैं वही नमाज़ पढ़ते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई लोग जो हैं नमाज अदा नहीं करते। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मस्जिद खाली पड़ी हुई है। आप इसमें देखें पूरी खाली है, जो दो चार लोगों ने नमाज अदा की होगी, अंदर की होगी, उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल जमा नहीं होगी। कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में अपने पांव पसारे हुए है और रोज़ जो है इस पकड़ में नहीं आ रहा, जो रेड जोन हो जाता है, ग्रीन जोन भी अचानक रेड हो जाता है और रात दिन के हिसाब से जो है यहाँ पर केस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता कर्फ्यू का पूरा पूरा पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी यहाँ से वहाँ तक, इधर उर्दू बाज़ार का एरिया है, उधर पीछे लाल किला दिख रहा है, इधर चावड़ी है पीछे, सब बिल्कुल अगर कोई ज़रूरत के तहत ही जाता है तो वो जाता है, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं जाता। और लोगों का ये कहना है कि हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि कोरोना वायरस जो है महामारी बीमारी है, इससे जल्द से जल्द जूझे और लोग जो हैं अपना बाहर आएँ। इस दौर जुमे के दिन खासकर जो यहाँ इतनी भीड़ होती थी, आज आप देख सकते हैं एक भी आदमी नहीं है, पूरी मस्जिद खाली पड़ी हुई है, सहन भी खाली पड़ा हुआ है, अंगना सब चीज़ खाली है, हौस सब खाली है। जो दो चार लोग होंगे उन्होंने ही अंदर नमाज अदा की होगी, इसके अलावा यहाँ पर जो है कोई अब नमाज। इस होटल में भी एक दो लोग तरावी हैं, तरावी घर में पढ़ रहे हैं, रोज़ा इफ्तार घर में कर रहे हैं, लोग पूरी तरह से जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं और एहतमाम भी नहीं कर रहे रोज़ा रफ्तारने का। जो दो चार लोग घर में होते हैं वही करते हैं। हमारी ऊपर से दुआ है कि इस कोरोना बीमारी से जल्द दूर हो। और जो इसमें पुलिस कर्मी हैं उनको भी हम सलूट करते हैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, और जो लोग इसमें जो है अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को भी समझना चाहिए और उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो सख्ती कर रहे हैं तो आपके लिए करते हैं, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। जितने जल्द आपने घर में रहेंगे उतने जल्द जो है इस बीमारी से जूझेंगे और सारी दुनिया इस बीमारी से आज़ाद होगी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।